नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में सभी कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है। कुछ कर्मी ऐसे भी हैं जो मेडिकल पे हैं या उनको कोई समस्या है लेकिन उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो उसके बावजूद भी ड्यूटी नहीं कट रही है। ऐसी ही एक दुखद घटना गाजियाबाद में हुई जिसमें संवेदनहीनता की हद पाई गई। एक कर्मी की चुनाव में ड्यूटी लगी गई और वे ड्यूटी कटवाने के लिए आए और आने के बाद उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपनी ड्यूटी कटवाने की, क्योंकि काफ़ी समय से वे मेडिकल पे चल रहे थे और कार्मिक की कलेक्ट्रेट में ही मौत हो गई। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या मामला था, किस वजह से उनकी ड्यूटी लगी थी और वे अपनी ड्यूटी क्यों कटवाना चाहते थे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, गाजियाबाद का मामला है। चुनाव ड्यूटी कटवाने आए सफाई कर्मी की कलेक्ट्रेट में मौत। बीमारी का सबूत दिखाने के लिए बुलाया गया था। तो देखिए क्या मामला था। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में सोमवार को सिस्टम की संवेदनहीनता देखने को मिली। अधिकारियों ने करीब 2 माह से चिकित्सा अवकाश पर चल रहे नगर निगम के सफाई कर्मचारी मलखान सिंह, 59 एज थी उनकी, की चुनाव में ड्यूटी लगा दी। वे 2 महीने से बीमार चल रहे थे और मेडिकल पे भी चल रहे थे। परिजनों ने ड्यूटी काटने की गुहार लगाई लेकिन अफसरों ने यकीन नहीं किया और बीमारी का सबूत दिखाने को कलेक्ट्रेट बुला लिया। कर्मचारी को ऑटो में लेकर परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां परिजन एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के चक्कर लगाते रहे लेकिन किसी को दया नहीं आई। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद कर्मचारी ने ऑटो में ही दम तोड़ दिया। देखिए कितनी संवेदनहीनता है। जो परेशान है कम से कम उसकी परेशानी को तो समझना चाहिए था। जो ऑटो में आ रहा है इतना परेशान है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में सोमवार को सिस्टम की संवेदन देखने के लिए अधिकारियों ने करीब, ये तो आप 59 लगा दी, परिजनों ने बीमार कर्मचारी के फोटो और वीडियो दिखाकर ड्यूटी काटने की गुहार लगाई लेकिन अफसरों ने यकीन नहीं किया और बीमारी का सबूत दिखाने को कलेक्ट्रेट बुला लिया। कर्मचारी को ऑटो में लेकर परिजन पहुंचे लेकिन क्या हुआ, परिजन की गुहार का कोई फर्क नहीं पड़ा अधिकारियों पर और उनकी किसी को भी दया नहीं आई। 2 घंटे के बाद उन्होंने ऑटो में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। ये गांव रईसपुर निवासी मलखान सिंह नगर निगम में सफाई कर्मचारी थी। उनकी ड्यूटी राजनगर वार्ड 24 में चल रही थी। पैरों में घाव के अलावा वे दिल और सांस के भी रोगी थे। वह करीब 2 माह पहले दिल्ली स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। कई दिन वहां भर्ती रहने के करीब 1 माह पहले डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया और दवाइयां जारी रखी। मलखान सिंह के बेटे विक्की का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्हें पता चला कि उनके पिता मलखान सिंह की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। उनके पिता ड्यूटी करना तो दूर, चलने फिरने में भी अक्षम थे, लिहाजा वह उनकी चुनाव ड्यूटी कटवाने की कोशिश में जुट गए। इलाज के दस्तावेज, फोटो, वीडियो भी उन्होंने नहीं माने। नगर निगम के सुपरवाइजर रतेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने मलखान सिंह की पत्नी के साथ जाकर अधिकारियों को मलखान सिंह की बीमारी के दस्तावेज दिखाए। इतना ही नहीं, उनके पैरों के घाव और सारी की स्थिति व्यक्त करने वाली फोटो और वीडियो भी दिखाई लेकिन अधिकारी नहीं माने। आरोप है अधिकारियों ने फरमान सुना दिया कि मलखान को साथ लाना पड़ेगा, उसे देखने के बाद ही वह कुछ कह सकेंगे। एक के बाद दूसरे अधिकारी के यहाँ भेजते रहे, किसी ने नहीं सुनी। सुपरवाइजर रतेंद्र सिंह का कहना है कि वह मलखान सिंह के परिजनों के साथ मलखान सिंह को ऑटो में लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे। वहाँ पहले डीएम ऑफिस गए तो एडीएम ऑफिस भेज दिया गया। एडीएम ऑफिस जाने पर सीडीओ के पास भेज दिया गया। वहाँ गए तो जिला ग्रामीण विकास अधिकरण विभाग में पीडी परियोजना निदेशक के दफ्तर में भेज दिया गया। वहाँ कर्मचारियों ने अधिकारी के आने के इंतजार करने को कहा।
रतेंद्र सिंह का कहना है कि मलखान सिंह के परिजनों के साथ ऑटो के पास पहुंचे तो मलखान सिंह की मौत हो चुकी थी। तो इस पे संवेदनहीनता का आरोप लगाया परिजनों ने, बात भी सही है। अधिकारियों पर संवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए मलखान सिंह के परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अवकाश पर चल रहे व्यक्ति की चुनाव ड्यूटी लगाकर लापरवाही बरती गई और फिर बीमारी का सबूत दिखाने के लिए कर्मचारी को कलेक्ट्रेट बुलाकर संवेदनहीनता दिखाई गई। हंगामे की सूचना पर कवीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। परिजन बोले कि अंतिम संस्कार के बाद देंगे तहरीर। घटना के बाद परिजनों ने देशराम मलखान सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। उनका आरोप है कि मलखान सिंह की हालत गंभीर थी, इसके बावजूद उन्हें कलेक्ट्रेट बुलाया गया। परिजन एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चक्कर काटते रहे। इस दौरान मलखान सिंह की तबीयत खराब हो गई और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अंतिम संस्कार व अन्य रस्म क्रिया के बाद वे पुलिस में तहरीर देंगे। ड्यूटी काटने के लिए सफाई कर्मचारियों को भी ऑटो में लेके आए थे। देखिए कितना गंभीर मामला है, कर्मचारी पहले से ही बीमार है, उसको ऑटो में लेके आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है कि ये व्यक्ति बीमार है। तो ये संवेदनहीनता ही होगी। ठीक है, जो कर्मचारी काम करने लायक है उसकी ड्यूटी मत काटिए, लेकिन जिसकी ड्यूटी जो करने में सक्षम ही नहीं है उसकी तो ड्यूटी कट जानी चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।